आज बनाते हैं बिहार की छठ स्पेशल रेसिपी ठेकुआ। ट्रेडिशनली ठेकुआ आटे और गुड़ से बनाते हैं, आज मैं इसे थोड़े से अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप गेहूं का आटा लिया है, इसमें आधा कप मैदा डालेंगे। आप चाहें तो इसमें टोटल आटे का भी यूज कर सकते हैं, मैदा बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। 3 बड़े चम्मच सूजी, मैंने फाइन वाला सूजी लिया है, आधा छोटे चम्मच इलायची पाउडर, आधा छोटे चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच सूखा हुआ नारियल। मेरे पास यहाँ पे ये ग्रेटेड वाला था, अगर आपके पास वो चॉप्ड वाले हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे। इसमें घी बिल्कुल सही क्वांटिटी में डालें, जिससे कि आपका जो ठेकुआ है वो बिल्कुल खस्ता बने। घी ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। जब इस डो को इस तरह से बाइंड करके देख रहे हैं तो ये बंद रहा है, मतलब मोयन इसमें सही क्वांटिटी में है। तो अब इसमें 6 बड़े चम्मच जितना चीनी डाल देंगे। जैसा कि मैंने कहा, ट्रेडिशनली इसमें गुड़ यूज होता है, तो अगर आप चाहें तो आप चीनी की जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हैं, पर आज मैं इसे चीनी से बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे ये ग्रेन्स वाली चीनी ली है, इससे ठेकुआ का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। बहुत सारे लोग चीनी को पानी में मेल्ट करके उसके बाद उस पानी से ठेकुए को बाइंड करते हैं, उस ठेकुए का टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है इस वाले से। तो अगर आपने इस तरीके से कभी नहीं ट्राई किया है तो एक बार जरूर ट्राई करें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करते हुए एक क्रम्बली सा डो रेडी करेंगे। बहुत ज्यादा पानी एक बार में ऐड ना करें। आप देख सकते हैं ये क्रम्बली सा डो रेडी हो गया है, बिल्कुल इसी तरह का डो चाहिए हमें। अभी आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा ड्राई है, पर ये बिल्कुल परफेक्ट है ठेकुआ बनाने के लिए। आप थोड़ा सा डो लेके चेक करें, इसे बाइंड करें, बिल्कुल अच्छे से बंध रहा है ये। और जब आप इसे शेप करेंगे तो ये अपना शेप भी होल्ड कर रहा है, मतलब ये डो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसमें और ज्यादा पानी ऐड करेंगे तो ये डो बिल्कुल चपाती डो की तरह हो जाएगा, और फिर आपका जो ठेकुआ है वो खस्ता नहीं बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट सा बनेगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अब इसका ठेकुआ शेप करना रेडी करते हैं। तेल को भी गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। पहले इसके बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे, उसके बाद इसे ठेकुए का शेप देंगे। ठेकुआ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। ठेकुआ बनाने के लिए मार्केट में साचा भी मिलता है, अगर आपके पास साचा है तो आप उससे ठेकुए को शेप दे सकते हैं, नहीं तो आज मैं इसे बिना साचे का बनाने वाली हूँ। तो अगर आपके पास साचा नहीं है तो आप बिना साचे का भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैंने इतने डो में 14 बॉल्स बना के रेडी किए हैं, अब इन्हें शेप करते हैं। थोड़ी सी डो को इस तरह से फ्लैट कर लें। आप इसके साइड्स में ये क्रैक्स देख रहे हैं, आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा क्रैक्स हैं, तेल में जाके टूटने लगेंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये क्रैक्स इस बात की निशानी है कि आपने जो पानी डाला है डो में वो बिल्कुल सही क्वांटिटी में डाला है, और आपका ठेकुआ बिल्कुल खस्ता बनेगा। इसमें डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये फोर्क लिया है, इसे साइड साइड्स में इंप्रेशन दे देंगे। बहुत सारे डिजाइन्स बनाए जा सकते हैं, आपको जो भी पसंद है आप वो बना सकते हैं। इसी तरह से बाकी ठेकुए को भी शेप दे देंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप जब ठेकुए को फ्लैट कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा पतली ना हो और बहुत मोटी भी ना हो, मीडियम थिकनेस का रखना है इसे, जिससे कि इसे कुक करने में बहुत ज्यादा टाइम ना लगे और ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे से कुक हो। और इस तरीके से जैसे हम पिज्जा स्लाइस करते हैं ना, बस उस तरीके से इसे स्लाइस करना है, मतलब स्लाइस नहीं करना है, बस इंप्रेशन देना है। तीसरी डिजाइन के लिए मैंने ये फोर्क से बिल्कुल बीच में इंप्रेशन दिया है, और इसे रोटेट करके दूसरी तरफ से भी हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको जो भी डिजाइन इजी लगे, जो अच्छा लगे, आप उस डिजाइन से इसे बना सकते हैं। इसी तरह से सारे ठेकुए को शेप करके रेडी कर लेंगे। सारा ठेकुआ मैंने शेप करके रेडी कर लिया है, तो अब इसे फ्राई करते हैं। ठेकुआ फ्राई करने के लिए तेल हमें पहले मीडियम गरम करना है, उसके बाद फ्लेम को लो करके ठेकुए को इसमें फ्राई करेंगे। ठेकुआ को तेल में डालते ही तुरंत टच नहीं करेंगे, एक साइड का लेयर अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद ही इसे बहुत ही केयरफुली पलट देंगे। आप देख सकते हैं एक भी ठेकुआ तेल में जाके टूटा नहीं है, क्योंकि ये डो बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी का था।
इसीलिए आपको डो बनाते टाइम इस बात का खास ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है और बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं रखना है। बिल्कुल क्रमली टेक्सचर का होना चाहिए। इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करें, पलटते हुए दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। ठेकुआ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बट आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। जब आप डो बनाएं तो वो क्रमली टेक्सचर का होना चाहिए, और जब फ्राई करेंगे तो उसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जिससे कि आपका जो ठेकुआ है वो अंदर तक अच्छे से कुक होगा और बहुत ही खस्ता बनेगा। साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसे फ्राई करना है। ठेकुआ बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है, तो इसे निकाल लेंगे। तो देखा आपने, ये ठेकुआ बनाना कितना ज्यादा आसान था और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है तो इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके आप इसे 2 महीने तक रख सकते हैं। तो आप इसे ट्राई करें, और अगर ट्राई करने के बाद पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो।